हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज भैया भाभी गए थे सुबह ही सुबह मंदिर, तो वहाँ से लौटते टाइम वो लेके आए थे समोसे सब लोगों के लिए। तो वो मंदिर गए थे तो हमें मालूम भी नहीं चला था, जब वो लौट के आ गए तब हम लोग सो के उठे थे। आप लोग समझ सकते हो मायके में तो कितना भी लेट तक सो लो। तो बस भाभी बोल रही थी जल्दी से सारे लोग गरम गरम खा लो, तो बस भाभी निकाल देंगे सब्जियाँ। और हमारे यहाँ के समोसे बहुत ही फेमस हैं, सब्जी के साथ मिलते हैं, साथ में मीठी चटनी। आप लोग देख सकते हो मेरा तो वॉइस ओवर करते टाइम फिर से मुंह में पानी आ रहा है। तो सारे लोग, बस अनिल तो अभी सो के उठे थे, सब लोग सो के उठे हैं, उन्होंने ब्रुश ब्रुश किया है सब लोगों ने और खाने बैठ गए। भावना भी अभी कोचिंग से आई हुई है, सुबह ही सुबह कोचिंग जाती है, तो सारे लोग खा पी रहे हैं बिना नहाए धोए। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं ये कर रहा हूँ, ये जो फोन है ना ये इनका फोन है और जो ये बन रही है वो मेरा फोन है, ठीक है, समझ गए ना? ये इनका फोन है और जिससे वीडियो बन रहा है वो मेरा फोन है। और ये जो फोन है ना, पहले इन्होंने मुझसे बदले में ले लिया था, एक्सचेंज कर लिया था। अब इसकी जो हालत खराब हुई है वो ये हुई है कि ये हीटिंग प्रॉब्लम देता है इसमें, ना तो नेट चलता है ना फोटो खींचते हैं, इसलिए देता है हीटिंग। मैं इलाज ये कर रहा हूँ कि अब ये इनको ठंडा करने के लिए मैं इसको फ्रिज में रख रहा हूं। जान फटना जाए, फ्रिज फट जाएगा, फटेगा फ्रिज फटेगा, मोबाइल थोड़ी फटेगा। तो यार हमारे मायके वालों का नुकसान करवा रहे हो तुम। तुम्हारे मायके वाले हैं तो तुम रहो, मैं तो जा रहा हूं। तुम क्या क्या चाह रहे हो, यही छोड़ना? किसको? मुझे ऐसा हो नहीं सकता, मैं कोशिश करूं। हद हो रखी है जो होता, मैं हॉट हूँ इसलिए वो हॉट हो जाता है, हॉट के हाथ में हॉट नहीं, वो तो हॉट तो हमारे हाथ में भी हो जाता है। तुम तो कहीं से हॉट नहीं हो। और ये स्माइल कर रहा है ये भाई का बेटा, इसको बड़ा मजा आता है फूफाई से मैं कुछ कहती हूँ। भाई का बेटा है, वो भाभी की बेटी है। ये क्या बकवास है? अरे तो गलत कही है मैंने, कही तो सही है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। देख लो, ये हर बार आते हैं दोस्तों से मिलते हैं, आपने कभी मुझे मिलते हुए देखा मेरे दोस्तों से? वो तुम दिखाओगी तभी देख जाएंगे, तुम्हारे दोस्त ही नहीं बुलाते यार, तुम्हें दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? जानू अभी फोन में दिखा दूंगी कितनी सहेलियों का। उस दिन फोन आया मेरी फ्रेंड का, वहाँ गुड़गांव रस्ते में आया। औरत पंचायत कर सकती है, बैग बुला नहीं सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ही टाइम नहीं है, कल भी उसका फोन आया। अंतर है ना तुम्हारी सहेलियों में, हाँ तुम हो गई औरत, वो अभी भी लड़की है, तो वो थोड़ा मैच नहीं खाता ना मामला। बकवास नहीं, ठीक है। मुझे से सीखने को मिलेगा ना बहुत सारी चीजें। क्या? बहुत सारी चीजें। पति से कैसे करना चाहिए? भावना के फूफा जी पहन रहे हैं सॉक्स और ये खड़ी है भावना। वीडियो में वैसे तो पूरे दिन शर्म आ गई करती रहती हो, भावना फूफा जी है। और क्या, भावना की फूफा जी कहूंगी मैं। भाभी बोल रही है किचन में से फूफा जी तो आई है, और कौन से मौसा जी कब है? नहीं तो कौन से दोस्तों से मिलने जा रहे हो? अरे हैं, अब तुम्हें सभी बता दूंगा। बता के जरूरी है जाना, मैं बता के जाती हूं। ये पूछना चाहिए लेडीज या जेंट्स? मैं जेंट्स से मिलने जा रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, लेडीज से मिलने जाओ तो मुझे बिल्कुल नहीं होगी। हाँ तो लेडीज से ही जा रहा हूँ। फोटो खींच के लाना, वीडियो बना के साथ में, ठीक है? चलो बाय। ये वीडियो फोटो के ऊपर ही तो रट्टे हो रहे हैं तुम लगे पड़े हो। कैसे? मोबाइल गर्म हो गया हमारा, मोहित गर्म। ओ, फ्रिज में से मोबाइल निकाल भावना। मैं डर गया, पता नहीं क्या हुआ, फट नहीं जाए वो। कुछ नहीं फट रहा, चलो ला, चलो ठंडा हो गया, ला लिया दिखाना। बाय बाय। अच्छा तो ये निकल रहे हैं अभी, खाना पीना इनका हो चुका है, अभी पहन रहे हैं ये सूच, गाड़ी तैयार है। जानू बैग तो कर लो पहले, गाड़ी जूते नहीं पहनू? जूते पहन लो, मैं जाऊँ फिर नहाना है मुझे, मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी। नहा लो ना, तुम बाद में नहाऊंगी, तुम पहुँच जाओगे तब। मतलब ऐसा रूल है ना, बोतल ले ली पानी की, इनके दोस्त पानी भी नहीं पिलाएंगे तो बोतल साथ लेके चलते हैं। रास्ते में दोस्त कहाँ से आएगा, इतने प्यासे मर रहे हो, गर्मी बहुत है। ठीक है चलो एक फोटो खींच लो साथ में, वैसे तो मैं नहाई नहीं हूँ फिर भी। हेलो दोस्तों, तो अभी आई हूँ मैं मार्केट अपने मायके वाले, तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा अगर जो एमपी के हैं जोरा के हैं तो, कि मिश्रा जी की शॉप, तो उनका एक नया कटरा बन गया है, तो मैं उनके कटरे में, भैया मुझे दिखाने के लिए आए हैं। ये भैया, इन्होंने अभी अपना ये नया कटरा ओपन किया, यहाँ पे इनकी शॉप आ गई है, तो मैं आपको आगे शॉप भी दिखा दूंगी। आपने बहुत ऊपर तक बनवा लिया ये तो है, ऊपर है ना, ऊपर भी दो मंजिल है। और ये आपकी जगह है? ये इधर भी बेसमेंट का रास्ता है। अच्छा अच्छा, जो दूल्हा दुल्हन वाला है। हाँ अच्छा, इधर ये, और ये आपका ये सामने बन रहा है वो? अच्छा अग्रवाल है, तो इसका रास्ता इधर के लिए रहेगा?
अच्छा सही है, बहुत अच्छी मार्केट है जोरा में, मुझे नहीं लग रहा ऐसी है। ये ऊपर रहा सामने। अरे एक ये रहा है ना, ये बेसमेंट का रास्ता है। अच्छा ये यहाँ से भी है, सही है। ये लिफ्ट के लिए अभी इसे कर दिया है। अच्छा लग रही है अभी, लेकिन बहुत पैसे लगे होंगे इसमें, बहुत पैसे लगे होंगे। तो अभी भैया हमें पूरा ऊपर से नीचे तक घुमा रहे हैं। ये पानी क्यों भरा हुआ है? ये टैंक है, जैसे बेसमेंट में धुलाई वुलाई कुछ होती है ना, हाँ, तो इसमें आ जाएगा, फिर इससे मोटर के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, पूरी दुकान है कितनी बताई आपने इसमें? 75 दुकान है सारी। ये पार्किंग के लिए पूरा, बेसमेंट में तो नीचे ही रहता है। तो पार्किंग के लिए कैसे हो जाएगा यहाँ से जाने? अच्छा यहाँ से, हाँ हाँ ये हाँ हाँ ये यहाँ से पार्किंग के लिए, हाँ हाँ। और ये तो वैसे पाइप वगैरह रखने के लिए है, ये पूरा पार्किंग। हाँ हाँ सही है, बहुत अच्छा है। ऊपर 14 फ्लैट है, इसके ऊपर भी सेम इसी टाइप की मार्केट है इसके ऊपर। कितने मंजिल है? 2 मंजिल ऊपर, 5 है ऊपर। 5 तक नहीं जाएंगे लेकिन हम तक जाएंगे। फ्लैट देखा है, एक दौरा में पहले फ्लैट बनाया बनने। हाँ कितने BHK का है फ्लैट? अच्छा परेशान है भैया। लो भैया ने आज सारा घुमा डाला हमें। ये है चौक है और ऐसे और फिर फ्लैट कब से स्टार्ट है, कौन से फ्लोर से है? अच्छा मम्मी की तो आज एक्सरसाइज हो गई। तो अच्छा ना, तभी तो आप फिटो। मैं अनिल को यहाँ भेज दूंगी, ऊपर से नीचे भागते रहेंगे, थोड़े पतले हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप शिफ्ट हो गए या फिर यहाँ पे रेंट से दोगे? नहीं सेल आउट कर रहे हो? अच्छा मतलब पूरा फ्लैट दे रहे हो, फिर नीचे आपकी दुकान है तो आपकी रहेंगी। तो कितने का दोगे 2 BHK? अच्छा बना हुआ, चलो देख लेते हैं मम्मी आराम से। करंट वरंट मम्मी पर अंदर तक गाड़ी नहीं आ पाएगी, गाड़ी या मार्केट में नहीं आती ना। हाँ नहीं हो रही है। हाँ हाँ ये इसका भी, इस वाले फ्लोर का काम चालू है। अच्छा ये रहे, अभी तो काम चालू। तो आप हाँ हाँ जितनी चौड़ी वो ये किचन है। हाँ इसमें आप फर्नीचर वगैरह करके दोगे या सिंपल ऐसे ही दोगे? मतलब गेट वेट लगा के और यहाँ रेलिंग लगा के दोगे? यहाँ रेलिंग लगेगी ना, वो तो सब सही है। तो इस पे एक ही फ्लैट है इस वाले के? इस पे कितने फ्लैट है? एक फ्लोर पे 2 BHK। टू बी एच की है वो तो, हाँ वो अटैच हो गई रूम वाली। किसी को फ्लैट चाहिए तो मिश्रा जी से कांटेक्ट करिए, अभी इनकम्प्लीट है लेकिन कम्प्लीट हो जाएगा जल्दी। वही मम्मी वही जीने के पास। हाँ और क्या मम्मी, ऐसे ही तो होता है सिटियों में, तो सिटियों में तो और ज्यादा चढ़ना चलना पड़ता है। लिफ्ट है ना वैसे भी, मम्मी तार डले आराम से। अब ऊपर नहीं जाना, अब नीचे चलना मम्मी, अब नीचे। तो भैया ने आज ऊपर तक घुमा दिया है और हम थक गए हैं, तो अभी हमने भैया से बोला कि नहीं अब तो हम नीचे जाएंगे, इसलिए काफी अच्छा है। भैया बहुत टाइम से बोल रहे थे, तो अभी आज उनको भी टाइम था और हमें भी टाइम था थोड़ा, तो हम आ गए। केवल दुकानों के लिए ये वाला बड़ा वाला जीना, जैसे सामान की गठन वगैरह आती है ना, तो वो जीने से जाएगी, इस जीने से जा नहीं पाते ना।
मैं आप लोगों को शॉप भी दिखा देती हूँ। शॉप कहाँ है? इसके नीचे वाले फ्लोर पे। अच्छा हाँ, इस इधर से आए थे अपन। तो ये रही शॉप। अच्छा उस गली से आया, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गई। दोनों है, दोनों साइड है, इधर उधर से। तो यहाँ पे सारा सामान मिल जाएगा आप लोगों को। पुरानी शॉप तो आप लोगों ने देखी होगी, ये नई वाली शॉप है। तो भैया से कॉन्टेक्ट करिए और यहाँ से अच्छे अच्छे आइटम्स भी ले लीजिए। क्यों भैया, क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल स्वागत है सबका। ठीक है, तो आप आ जाइएगा, भैया से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा और जब मेरे थ्रू आइएगा तो मेरा नाम जरूर लीजिएगा, है ना, जिससे भैया को मालूम चले। चलिए चलते हैं। तो मैं मार्केट से भी आ गई हूँ, बस अभी कपड़े चेंज करने जा रही थी, तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैं टेलर पे भी गई थी लक्ष्य के लिए कुर्ता डालने के लिए, क्योंकि लक्ष्य के लिए मैं कुर्ते के लिए कपड़ा लेके आई थी, तो मैंने सोचा यहीं डाल देती हूँ अभी, तो जब तक हम जाएंगे तब तक हम ले लेंगे, क्योंकि टेलर ना टाइम लगाते हैं इसलिए। चलिए तो बस मैं चेंज कर लेती हूँ। मार्केट से घूम के आ गई, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, बहुत सारी चीजें लेके आई हूँ अपने वहाँ के लिए, तो बाद में आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो मैं मार्केट से आई हूँ थोड़ी देर पहले ही, और मैंने क्या कहते हैं कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और अभी मैं कर रही हूँ हिसाब किताब कि मेरे मार्केट में कितने रुपए खर्च हो गए। तो अभी मैं कर रही हूँ हिसाब किताब। यार मार्केट तभी तो मैं जाती नहीं हूँ, मेरी मम्मी इतना डांट लगाती है कि वहाँ तू पैसे खर्च करती है, यहाँ के यहाँ खर्च करती है, क्या करूँ। फिर भी मम्मी के साथ जाती तो मम्मी बहुत टोकती है, ये मत ले वो मत ले, बट पर जो जरूरत का सामान है वो तो लेना ही पड़ता है। और आपको बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही होगी, क्योंकि ये सारे लोग पंचायतें कर रहे हैं। अनिल, भाभी, भावना, ललित, लक्ष्य, भैया भी बैठे थे बट भैया उठ गए। तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, उमस हो रखी है, तो लक्ष्य को भी नहा रहा है और उसके पापा भी नहाने जा रहे हैं। कल हम लोग निकल जाएंगे ससुराल के लिए, ऐसा कल का प्लान है, बट अभी फाइनल नहीं है, देखो क्या होता है। और भैया इस वजह से मैं चुन्नी ली हूँ सिर्फ। तो सारे लोग बैठे हुए हैं अंदर, पापा, भैया, मम्मी, भावना, ललित, लक्ष्य नहा के आया है जस्ट अभी, मैंने उसको नहलाया है, देखो उसकी आवाज आ रही है, बहुत चिढ़ता है इधर, उसको पता है सारे लोग हैं बचाने के लिए, तो मैं वहाँ नहीं बैठ सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा, मतलब अब पहले तो करती थी मैं पर्दा, लेकिन अभी सिर पर रख लेती हूँ, बट ऐसे नहीं बैठ सकती कि वहाँ अनिल भी बैठे हों और मैं भी बैठ के बातें कर रही हूँ पापा के सामने, मतलब भैया के सामने तो फिर भी अब बैठ जाती हूँ मैं सिर पर रख के, बट पापा के सामने अभी नहीं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ बैठक में और भाभी हैं किचन में, तो चलिए थोड़ा सा काम करवा देते हैं, क्योंकि भाभी अकेली लगी रहती हूँ तो मैं काम करवा देते हैं, क्योंकि बहुत काम हो जाता है ना इसलिए। और आज मेरे थोड़ा सा दर्द सा हो रहा था पेट में, तो बस मम्मी आई थी, फिर मैया पे गई थी आज, वो अनिल और मम्मी भावना सब लोग। तो चलिए फिर डिनर की तैयारियाँ करते हैं, भाभी डिनर बनाएंगी, देखो क्या बनेगा डिनर में, भाभी हमारी खाना बहुत टेस्टी बनाती है। वैसे मायके में ऐसे घूमते हैं, लेकिन मैं मायके में फिर भी घूम रही हूँ ऐसे, क्योंकि अनिल है इसलिए। तो अभी मेरे भैया का बेटा बाइक को अंदर रख रहा है, क्योंकि रात हो चुकी है इसलिए। लग गई तेरे, लग गई आवाज़ का इसकी आई थी। अच्छा गेट लगा देना बाहर वाला। आज हमारे यहाँ गाय आ गई, और गाय दूसरी गाय यानी कि, तो हमारी जो बेल लगी हुई है बेल, वो सारी बेल को खा गई, तो रैया की बेल लगी थी खा गई। मम्मी मैया पे गई थी ना उस टाइम पे। तो आज अनिल गए थे मोरेना अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। देखो मैं कब जाती हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, जा भी पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता। एक तो ब्लॉगिंग करने का मेरा मन ही नहीं कर रहा, यहाँ पे सारे दिन बैठने का मन करता है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।